पहुंचाना है छत्तीसगढ़ के उस सीएम हाउस तक जो आज सरकार बने पांचवें साल पूरे करने जा रही है, उसके बावजूद भी अपने जुबानों पर काबिज नहीं है। अपने जुबान से निकले शब्दों से उनके कानों पर जब हम बाढ़ छोड़ेंगे, वो बाढ़ अगर कहीं उनके दिल तक पहुंचे तो शायद हमारे बेरोजगारों की मांग पूरी हो जाए। यहाँ सिर्फ आज यहाँ सिर्फ आजादी की जब लड़ाई, आज मैं याद कर रहा हूँ उस आजादी की लड़ाई को, जिस आजादी की लड़ाई के बारे में हमारी लता जी गाती थी कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो भूल गिरा पर्वत पर वो भूल था हिंदुस्तानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुआ। आदमी जहाँ जात पात से हटकर, जाति धर्म से दूर हटकर एक भारतीयता का जहाँ धर्म अपना लिया, भारत को आजाद होना पड़ा। आज बीपीएड हो गया, बीएड बीएड संघ हो गया, हमारे ग्रंथपाल के मित्र जन हो गए, पीएससी के साथी हो गए, छत्तीसगढ़ के हर एक बेरोजगार अपनी सिर्फ एक फील्ड को छोड़कर सिर्फ अपने आप को बेरोजगार माना है। सबने आज एकजुटता को स्वीकार किया है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, जैसे 1947 की आजादी हमें मिली है अंग्रेजों से, बेरोजगारी से भी आजादी आज 9 तारीख को हम सबको मिलने वाली है। मैं अभिनंदन करता हूँ छत्तीसगढ़ के उन तमाम कोने कोने से आए हुए अभ्यर्थियों को, मैं सलाम करता हूँ, फिर से नमस्कार, अभिवादन। आप सबसे मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग यदि बैठ जाए तो जो व्यवस्था हम सब ने पूरे रात भर जा करके आप सबके लिए किया है, उस व्यवस्था का सम्मान हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ, कृपया आसन जी स्वीकार करें, विराजमान होइएगा। निकालेंगे और दिखाएंगे कि जब तक जनादेश है तब तक शासन है, जब तक जनादेश है तब तक क्या है, शासन है। और जब शासन है, तुम्हारा सत्ता है, तब तक तुम हो, अन्यथा कहीं के नहीं हो। हम आज अपना बाल उखाड़ कर फेंकेंगे, कल तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे, और इस मंच में अपना बाल उखाड़ कर फेंकेंगे, कल तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? कौन है अंतिम व्यक्ति से? आप तैयार है कि नहीं? चश्मा वाले भैया, गमछा वाले भैया, आप तैयार है कि नहीं? हाथ उठाइए समर्थन में, आप कोने से तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? कावा साठ वाले भैया, आप तैयार है कि नहीं? जनादेश जिंदाबाद, 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 जनादेश जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़िया जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़िया जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ बेरोजगार जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ बेरोजगार जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ बेरोजगार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी आवाज उनके तक कानों तक जा रही है, और देखिए जरा आने को आतुर है, लेकिन लेकिन बात पूरी करेंगे। आप लोग जिन 80 लोगों को मैं बुलाया था, वो लेके आए हैं बताइए। हम लोग गेट पे स्थान से आए हुए हैं जी, है ना, बेरोजगार साथी हमारे, हमारी ताकत हम लोग आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो शिक्षक भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है, आर्ट वालों की, साथ में विज्ञान संकाय वालों की, उनके भर्ती के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जी। सरकार को यहाँ 5 साल होने को है, तो अभी तक सरकार की तरफ से कुछ सकारात्मक प्रक्रिया कुछ आया है? कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं आई है, बस अभी एक नोटिफिकेशन मतलब मांग नहीं यहाँ पर मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं? धरना प्रदर्शन में कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन मैं अभी देखा पुलिस बल आया था, उन्होंने 3 बजे तक का अल्टीमेट टाइम दिया है, 3 बजे के बाद आपको खाली करना है, अगर नहीं करेंगे तो वो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो हम लोग पूरा भर्ती लेकर के ही जाएंगे, किसी प्रकार के दबाव आए तो जो भी हो, करो या मरो की स्थिति में आए हैं। हमारा लास्ट आंदोलन है हमारा जी, करो या मरो, भर्ती लेके जाएंगे बस जी। क्या यदि हम उनको शाम तक भी रुकना पड़ेगा, हम यहाँ पर रुकेंगे, जब तक हमारा मांग जो पूरी नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ये हमारे दृढ़ संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञा है जी। और आपकी मुख्य मांगे क्या क्या बताइए? हमारी मुख्य मांगे ये है कि शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है किसी भी स्थिति में जारी करें, 50% रोक कर दे, किसका तो कितना देना है ये उसकी जिम्मेदारी, सरकार का टेंशन है, सरकार जाने उसको। बिल्कुल बिल्कुल।
तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा आक्रोश है सभी साथियों के अंदर। हम नाम सत्य है, काफी के मस्त है, सत्य है, सत्य है। साथियों देख सकते हैं पुलिस वाले आ गए, बढ़ने नहीं दिया जा रहा हम लोग को। साथियों बड़ा नुकसान हो गया हम लोग का, बड़ा गंदा तरीके से मारा गया सबको। आचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन के बारे में? आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो बता दे रहा है क्या कहना चाहते हैं आप, फिर भी अपने शब्दों में क्या सर? गलत हरकत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे का दिल टूट रहा है, उसके ऊपर में घाव में नमक छिड़कने वाला काम सब कर रहे हैं, है ना? क्या जरूरत है, बिल्कुल बात एकदम बराबर, बहुत बड़ा गलत काम कर दिए। अगर हम लोग पहले से उग्र अगर होते हैं उसके बाद ये सब होता तो समझ आता है ना, बिल्कुल। दिन भर तक बिना खाए पिए भूख में बैठे थे, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में अधिकार है भाई, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी कुछ ही नहीं है। बट जो भी हो बड़ा गंदा तरीका से हुआ है और सरकार को इसका परिणाम उसको देखने को मिलेगा, है ना? लटपट बाचे हैं, लटपट बाचे हैं, मरत मरत बाचे हैं। तुम कहाँ जा रही हो, घर में हो? सही बात है, सही बात। घर में हो, भाग रहा कौन है? कौन है? तुम देवरी कर चढ़ी से हो, क्या रहा हो वीडियो कॉल से? बाकी आगे का अपडेट देखने के लिए अरुण नेताम चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो है ना हमारे छोटे भाई हैं अरुण नेताम जी, उनके चैनल पर यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, शेयर भी कीजिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं हमारा गाड़ी आ चुका है, हमारे साथीगढ़ बैठे हुए हैं, मुरझाया हुआ चेहरा बता रहा है कि हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल सफल नहीं रहा। होल सिंह जी, भूगेल मास्टर, साथियों धरना प्रदर्शन तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन इधर बाजू में एक बड़ा शानदार नजारा देखने को मिल रहा है, मैं आपको कैप्चर करके दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं हमारे चचा लोग मछली पकड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रूपलाल सर बैठ गए, फिर भी कछु रिजल्ट नहीं निकली, देखो तो। माँ कसम भाई, दिल बहुत टूटे हैं।